सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली होती है। आहिसिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करने के पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोमांछित फल की प्राप्ति के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है मैं उसे विधानपूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसिम इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें, फिर आपम स्मानम इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्रम इस मंत्र से स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवायम इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि तथा पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रीवायम मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसम इस मंत्र से रमणीय आसन दे, मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें, याते रुद्रम इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें, यामिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें, अध्यवोचतम इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें, असोयस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। इसके बाद नमस्तुते नीलग्रीवायम इस मंत्र से इष्ट देव को पादे समर्पित करें, रुद्र गायत्रियम से अर्घ दें, त्रियंबकम मंत्र से आचमन कराएं, पयम प्रतिभ्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं, दधि क्रामणियम इस मंत्र से दधि स्नान कराएं, घृत घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं, मधुबाताम मधुनक्तम मधुमान्य इन तीन ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि पांच वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे नमस्तुते नील ग्रीवायाम इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदनंतर म नमस्तुकेम इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। इसके बाद याते हेतियम इत्यादि चार ऋचाओं को पढ़कर वेदक्त भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः श्रायभम इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध
और अक्षत अर्पित करें। नमः पर्यायम, इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्यायम, इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमः कदर्पिने चह, इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के द्वारा दीप निवेदन करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। ऋचा से फल समर्पण करें। फिर भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पण कर दें। तदनंतर इन पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भम इत्यादि मंत्र से, जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं, दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाम, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए गए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना करें। तत्पश्चात इमा रुद्रायम इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें तथा विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें तथा भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। यतो यतम, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रियंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेनाम इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यम, इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जाप करें अथवा वैदज्ञ पुरुष शतरुंद्रिय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वैदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवागातुम इत्यादि मंत्र से भगवान शिव का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि द्वारा विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजा की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र से उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरम मंत्र से लिंग का निर्माण करें। फिर तत्पुरुषायम, इस मंत्र से विधिवत भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशानम मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सभी विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पज्जाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधि पूर्वक पूजन करें। भवाय भग्नशाय महादेवाय धीमहि, उग्राय उग्नशाय शर्वाय शशिमोलिने, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली होती है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकध्रक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाघ्रशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उनकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा याचना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आगे
ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। पटशर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके बाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने में उनका शरीर अंग और भी उद्धासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर और अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन में बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में तीन तीन नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान और उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करके गुरु के दिए हुए पज्जाचर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। विप्र वरो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रिय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निन्दांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण। मेरा जीवन सर्वस्व है, मेरा चित सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान अथवा जानबूझकर यदि आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और सदा आपके ही परम महान पतित पावन हूँ। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर? मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर एवं पवित्र विनीत चित वाला साधक भगवान को प्रणाम करें और आदरपूर्वक विज्ञति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधिपूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली होती है।